ठीक है, तो ये हमने एक फाइल बना रखी है। सबसे पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं कि आ क्या रहा है। तो मैं मोजिला ओपन कर रहा हूँ और मोजिला में फाइल फाइल पे गए, ओपन फाइल, और यहाँ पे मेरी फॉर्मेटिंग, ये एफ ड्राइव के अंदर एसटीएमएल फाइल के अंदर फॉर्मेटिंग 4 नाम की एक फाइल है, और ओपन कर लिया। ठीक है, तो अब इसमें देखना ये हमारी क्या आ रही है, एक इस जो हमने अभी फाइल ओपन करी उसकी एक आउटपुट ये आ रहा है। और अगर इसमें ध्यान देखोगे तो यहाँ पे इस फाइल में क्या आ रहा है, एक लिस्ट टाइप की बनी हुई आ रही है। और अगर लिस्ट भी देखोगे तो अलग अलग तरह की लिस्ट है। देखो कुछ लिस्ट तो ऐसे हैं जिसमें डॉट आ रहा है, मतलब सर्किल टाइप के आ रहे हैं, है ना, कुछ में डिस्क टाइप की आ रही है, कुछ में ये हमारे स्क्वायर आ रहे हैं, कुछ में हमारा आ नहीं रहा है। और नीचे और देखोगे तो इसमें 1 2 3 आ रहा है, उसके नीचे देखोगे तो ABC आ रहा है, फिर नीचे देखोगे तो स्मॉल में आ रहा है, फिर ये रोमन में नंबर आ रहे हैं कैपिटल में, फिर स्मॉल लेटर में आ रहे हैं, और फिर ये एक मिक्स हमारी जो है लिस्ट आ रही है। तो ये तो हमारी फाइल का आउटपुट है। अब हम चेक करते हैं कि ये जो लिस्ट है इसका आउटपुट आया कैसे। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास लिस्ट बनाने के लिए टैग होते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है। अब देखो वहाँ पे जो लिस्ट देख रहे हो, लिस्ट जो आ भी रही है वो सब कुछ रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने बॉडी के अंदर इसका एक एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है जिसको बोल रहे हैं टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट, और इसमें क्या है, हमने रेड लिखा हुआ है। आप जो भी कलर देंगे उस कलर में, जो भी आपको पेज के अंदर दिखाई देगा उस कलर में आएगा वो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन लिख दूँ तो सब कुछ वहाँ पे ग्रीन, जो भी कुछ आप लिखेंगे ग्रीन कलर में लिखा हुआ दिखाई देगा। फिलहाल हम इसको बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो लिस्ट बनाने के लिए हमारा सबसे पहला टैग है UL, इसको बोलते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब कि इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, और इसके अंदर आपको चाहिए क्या लिस्ट में, तो मैंने इसमें लिख दिया कॉफ़ी, टी एंड मिल्क लिख दिया, ठीक है। तीन चीज़ें मैंने दे रखी है। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट टैग होता है जिसमें ये हमारा ये लिस्ट टैग है, इसको हम क्या बोलते हैं, LI टैग। LI को ओपन किया हुआ है और LI को क्लोज किया हुआ है, यानी कि जो भी आपको लिस्ट में चाहिए उसको आपको LI टैग के अंदर रखना है, LI ओपन, LI क्लोज। तो मैंने तो तीन ही आइटम रखे हुए हैं यहाँ पे, कॉफ़ी रखा हुआ है, टी रखा हुआ है और मिल्क रखा हुआ है। अगर आपको कुछ और चाहिए तो नीचे हमें क्या करना है, नीचे हम यहाँ पे LI टैग को ऐड कर लेंगे इस तरह से LI, और यहाँ पे मैं कुछ और भी रख सकता हूँ, जैसे मैंने स्नैक्स लिख दिया, SNACKS, और मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ LI, और इसको क्लोज कर दिया, कंट्रोल S से सेव कर दिया। और मैं यहाँ पे ब्राउज़र में यानी कि मोज़िला में दोबारा से जाऊँगा, अगर मैं F5 दबाता हूँ तो यहाँ पे देखना मेरा ये मिल्क के बाद में क्या हो गया, स्नैक्स आ गया। तो जो भी आप LI के अंदर रखेंगे वो आपका वहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो लिस्ट है हमारी अनऑर्डर लिस्ट है, मतलब कि इसके अंदर ये आपको जो ये जो पॉइंट्स है दिखाई दे रहे हैं ये अनऑर्डर लिस्ट टैग की वजह से दिखाई दे रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसके बाद में अगर आपको, और बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल होता है हमारा लिस्ट में वो डिस्क ही होता है, जो आपको सॉलिड डॉट से जो दिखाई दे रहे हैं वो हम उसको डिस्क बोलते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप खुद लगाना चाहो तो हम इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो एक, अच्छा ये UL को हमने सबसे पहले क्या किया हुआ है, यहाँ पे UL ओपन किया था, UL को क्लोज कर दिया, ठीक है, UL को क्लोज किया हुआ है। फिर आपको नई लिस्ट चाहिए तो फिर दोबारा से UL टैग ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे आप खुद स्टाइल अगर लिखना चाहते हो तो UL स्टाइल मैंने दे दिया, लिस्ट स्टाइल डैश करके टाइप, और यहाँ पे क्या दे दिया, डिस्क दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद में आइटम आपको ऐड करने हैं, तो मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ पे देखो LI के अंदर मैंने एप्पल, मैंगो और बनाना रखा हुआ है, LI ओपन, LI क्लोज, LI ओपन, LI क्लोज, तो भी आपका हमें सेम आउटपुट दिखाई देगा। इसके नीचे देखो एप्पल, मैंगो और बनाना, उसके आगे क्या दिखाई दे रहे हैं, सॉलिड डॉट से दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं डिस्क यहाँ पे। तो आप अगर यहाँ पे हमने क्या किया था, स्टाइल हमने डिस्क दे रखा था, इससे ये इसका फॉर्मेट है लिखने का। अगर आप नहीं भी दोगे तो भी आपका डिस्क आने ही वाला है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे UL को क्लोज किया हुआ है। अब आप चाहते हो कि मुझे डिस्क नहीं चाहिए, कोई और स्टाइल चाहिए अपनी लिस्ट के आगे, तो हम क्या कर सकते हैं, UL हमने यहाँ पे UL को ओपन दोबारा से स्टार्ट किया हुआ है, स्टाइल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लिस्ट स्टाइल टाइप, और कोलन लगा के हमने सर्किल लिख दिया, और यहाँ पे डबल कोट क्लोज किया हुआ है, डबल कोट ओपन थे और डबल कोट क्लोज किया। तो ये इसका स्टाइल है, मतलब एक फॉर्मेट है, आपको इस तरह से ही लिखना पड़ेगा। सर्किल चाहिए तो सर्किल, डिस्क चाहिए तो डिस्क। और फिर नीचे हमने क्या रखा, LI के अंदर एप्पल,
li के अंदर mango, li के अंदर banana, और फिर ul को क्लोज कर रखा है, यानी कि हमें ये चीज़ पता है कि जब भी हम कोई टैग ओपन करते हैं उसे हम क्लोज भी करते हैं। तो ul हमने यहाँ पे ओपन किया था, ul को हम स्लैश ul लगा के क्लोज भी कर रहे हैं। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आ रखा है। ये देखो यहाँ पे जो हमारे एप्पल मैंगो और बनाना, ये जो आ रखे हैं एप्पल मैंगो बनाना, इनके आगे वो सॉलिड डॉट ना आके थोड़ा हॉलो सर्किल सा आ रहा है। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे सर्किल लिखा हुआ है। ठीक है, दोबारा से आते हैं नोट पैड की फाइल पे, ये सर्किल लिखा होता है इसलिए आ रहा है। अब देखो और कौन सा स्टाइल है, अगर आपको सर्किल भी नहीं चाहिए, हमें दूसरा स्टाइल चाहिए, तो इस वाली लाइन पे देखो हमने यू एल स्टाइल लेस स्टाइल टाइप हमने दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर, हमें स्क्वायर चाहिए था अपने आगे अपने लिस्ट के आगे। और लिस्ट तो आप जो भी रखोगे एप्पल मैंगो एयर बनाना, तो ये यू एल ओपन किया था, यहाँ पे यू एल हमने क्लोज कर दिया। तो अब देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे हमारे क्या आ रहे हैं, ये देखो एप्पल के आगे स्क्वायर आ रहा है, बनाना के आगे स्क्वायर। तो ये हमने क्या कर दिया, अलग अलग टाइप के यहाँ पे ऊपर से ही देखो जो चार हमने लिस्ट बनाई, अलग अलग हमारी लिस्ट थी, उनके आगे जो डॉट आ रहे हैं ये हैं तो अनऑर्डर्ड, लेकिन उनके आगे जो स्टाइल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए वो हमने बता दिया। अब इसके बाद ये नेक्स्ट देखो, इसके आगे कुछ भी नहीं आ रहा, ना डॉट आ रहे हैं वो सॉलिड डॉट, ना फिर स्क्वायर आ रहा है, ना सर्किल आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ है। तो हम दोबारा से आते हैं यहाँ पे अपनी नोट पैड की फाइल पे, यहाँ पे हमने देखो क्या कर रखा है, एक और लिस्ट बना रखी है, इसमें हमने यू एल स्टाइल लेस स्टाइल डैश टाइप करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नन लिखा हुआ है। यानी कि नन लिखने से अब उसके आगे ये लिस्ट टाइप का तो बनेगा, लेकिन उसके आगे कुछ भी हमारा क्या आएगा, सिंबल नहीं आएगा, और ऐसा हो भी रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये एप्पल मैंगो और बनाना के आगे कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यूएल हमने स्लैश यूएल कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपको ये डिस्क या फिर सर्कल या और कुछ नहीं चाहिए, आपको एक ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास जो टैग है वो है ओ एल, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर फिर आइटम ऐड करने के लिए नेचुरल सी बात है हमारे पास में एल आई टैग ही है, एल आई ओपन एल आई क्लोज हमने किया हुआ है एप्पल मैंगो और बनाना, और फिर हमने इस ओ एल को क्लोज किया हुआ है स्लैश ओ एल से। अब देख लेते हैं आउटपुट कैसे आ रहा है, दोबारा से हम जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा आ रहा था एप्पल मैंगो और बनाना, इसके आगे 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये नंबर्स जब आते हैं हमारे पास में हम इसको ऑर्डर लिस्ट मानते हैं। तो हमने ये ऑर्डर लिस्ट लाने के लिए क्या किया, सिंपल से ओ एल टैग यूज़ कर लिया, ओ एल ओपन किया और ओ एल यहाँ पे क्लोज किया हुआ, उसकी वजह से आ गया। लेकिन आप नंबरिंग खुद भी दे सकते हो, जैसे हमने दे दिया ओ एल और यहाँ पे टाइप लिख दिया 1। ठीक है, और इसके अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया है एल आई ओपन एल आई क्लोज एल आई ओपन एल आई क्लोज, और फिर लास्ट में ओ एल को क्लोज किया हुआ है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपको ये लिस्ट दिखाई दे रही है इसके नीचे ये 1 2 3 आपको दिखाई दे रहा है। दोबारा से नोट पैड की फाइल में आते हैं, लेकिन अगर आपको 1 2 3 ना नहीं चाहिए, ए बी सी डी चाहिए कैपिटल में, तो टाइप हमने क्या दे दिया यहाँ पे, कैपिटल का ये ओ एल लिखा टी वाई पी ई लिखा टाइप, और डबल कोट के अंदर एक कैपिटल का ए लिख दिया, और जो लिस्ट थी वो एप्पल मैंगो बनाना लिख दिया, ओ एल को क्लोज कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मोजिला में आ जाते हैं, यहाँ पे हमें एप्पल मैंगो और ये बनाना दिख रहा है। ठीक है, दोबारा से नोट पैड में आते हैं। अब अगर आपको जो है अपनी लिस्ट में ऑर्डर लिस्ट में स्मॉल में आपको कैरेक्टर्स चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, ओ एल लिखा टाइप लिखा और स्मॉल लेटर का ए दे दिया। तो बाकी तो हमारी लिस्ट सेम ही है, ओ एल को क्लोज कर रखा है यहाँ पे। तो दोबारा से जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ रहा है, एप्पल मैंगो बनाना आ रहा है, लेकिन इनके आगे स्मॉल लेटर में ए बी सी आ रहा है। इसी तरह से अब क्या है, यहाँ पे अगर रोमन में आपको चाहिए तो रोमन में के लिए आपको ओ एल टाइप और टाइप के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैपिटल का आई, जो कि रोमन का नंबर होता है हमारा 1 जिसको हम बोलते हैं, और डबल और लिस्ट हमने बना के एप्पल मैंगो बनाना ओ एल को क्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा रोमन में एप्पल मैंगो और बनाना आ रहा है, एप्पल मैंगो बनाना रोमन में आ रहा है। इसी तरह से अगर आपको स्मॉल लेटर में चाहिए रोमन नंबर, तो सिर्फ क्या करना है, ये यहाँ पे स्मॉल का आई लिख दो तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के लिए यहाँ पे देखो डी एल टैग यूज़ हुआ है, डी एल ओपन किया हुआ है और डी एल क्लोज किया हुआ है।
ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन लिस्ट में अंदर आइटम ऐड करने के लिए जो टैग यूज हम करते हैं उसे हम बोलते हैं डी टी। डी टी ओपन किया, क्लोज किया हुआ है, और डी टी क्लोज किया हुआ है कॉफ़ी। और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट किया हुआ है डी डी। ठीक है, डी डी का मतलब होता है डेफिनेशन डाटा, यानी कि ब्लैक एंड हॉट कॉफ़ी। तो पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, तब इस पर आते हैं वापस। तो ये देखो, ये जो हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे इतना पोर्शन आप देखोगे तो ये एक डेफिनेशन की तरह दिखा रहा है कि ब्लैक में जैसे मेनू आपका कार्ड ओपन होता है, कॉफ़ी ब्लैक एंड हॉट ड्रिंक, ठीक है, मिल्क वाइट एंड कोल्ड ड्रिंक। तो एक डेफिनेशन की तरह हमने ये लिस्टिंग बनाई हुई है। तो जब आपको इस तरह की लिस्टिंग चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिस्ट उसके लिए बनाते हैं। और डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डी एल टैग का यूज़ करते हैं। तो हेडिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, डी टी टैग का यूज़ किया कॉफ़ी। और उसके अंदर जो एक तरीके से डाटा जो उसको डिस्क्राइब करता है, जिसको हम रखते हैं डी डी टैग के अंदर, और डी डी टैग के अंदर हमने लिखा हुआ है ब्लैक एंड हॉट रेंज। इसी तरह से नेक्स्ट हेडिंग हमें चाहिए थी उस डेफिनेशन लिस्ट के अंदर, तो हमने उसको क्या लिखा हुआ है, डी टी के अंदर रखा है मिल्क, और उसका डिस्क्रिप्शन देना था, यानी कि डेफिनेशन डाटा हम इसको बोल सकते हैं वाइट एंड कोल्ड ड्रिंक, और फिर डी एल को क्लोज करना है। ठीक है, अब एक हमने लास्ट में एक लिस्ट बनाई हुई है जो कि मिक्स हमारी लिस्ट है। पहले हम इसका ये अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक का ये हमने क्या किया हुआ है, मिक्स हमारी लिस्ट है। अब हम देख लेते हैं इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। तो इसमें इसके आगे का देखो, ये सारी अलग अलग तरह की हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, लिस्टिंग आ रही है। इसमें हमारा जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट भी है, और डिस्क ये सॉलिड हमारे डिस्क भी आ रही हैं, सर्कल भी आ रहे हैं। तो ये कैसे आया है, इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं, यूएल हमने यूएल टैग यूज़ किया हुआ, उसके अंदर एलआई के अंदर हमने कॉफ़ी को यूज़ किया हुआ है, फिर एक और एलआई के अंदर हमने क्या किया, टी यहाँ पे लिख लिया। और टी के अंदर जाके फिर हमने अभी एलआई को यहाँ पे देखो क्लोज़ नहीं किया हुआ है। नॉर्मली हम क्या करते थे, लिस्ट क्लोज़ करते थे, लेकिन हमने इसको क्लोज़ करने से पहले क्या कर दिया, क्योंकि टी के हमारे क्या होते हैं कई बार टाइप अलग अलग होते हैं, भाई ब्लैक टी चाहिए कि ग्रीन टी चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, वो ऑप्शन देने के लिए एक इस एल आई के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी। तो हमने क्या किया, यू एल ओपन किया, और यू एल के अंदर हमने ब्लैक टी और ग्रीन टी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एल आई ओपन कर रखा, एल आई क्लोज कर रखा, और फिर इस यू एल को क्लोज़ किया, और यहाँ यू एल ओपन था यहाँ पे, इस जगह पे यू एल को क्लोज़ कर दिया। और ये जो एल आई हमने यहाँ पे क्लोज़ किया हुआ, ये एल आई किसका है, यहाँ पे जो एल आई ओपन हुआ था उसका, क्योंकि टी के अंदर हमें दो सब लिस्ट और चाहिए थी, ब्लैक टी और ग्रीन टी और चाहिए था। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, एल आई ओपन यहाँ पे किया और एल आई क्लोज यहाँ पे किया हुआ। फिर उसके बाद हमने एक और एल आई बनाया, और इसको हमने यहीं पे एल आई ओपन और एल आई क्लोज़ कर दिया मिल करके, और यू एल को क्लोज़ कर दिया। तो ये करने की वजह से हमारा जो लिस्टिंग आ रही है वो किस तरह की आ रही है, इस तरह से आ रही है। ठीक है, टी के हमने दो ऑप्शन दे दिए, ब्लैक टी और ग्रीन टी। तो जब आपको इस तरह से चाहिए तो आप दे सकते हो। और उसके बाद एंड में हमने क्या किया हुआ है, बॉडी को, क्योंकि हमने बॉडी स्टार्ट किया हुआ था तो बॉडी को क्लोज भी करते हैं, और लास्ट में एसटीमेट हमने क्लोज़ किया हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ था यहाँ पे, एसटीमेट ओपन किया था। तो ये इस तरह से हम जो है अपनी अलग अलग तरह की लिस्ट क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।